जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले के वीडियो में ये बहुत ही खूबसूरत आपको ड्रेस बनाना सिखाया था। इसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि मैडम ये पोशाक बहुत खूबसूरत बनी है और इसकी पगड़ी बनाना सिखाइए। तो आज मैं इसकी पगड़ी बनाना आपको सिखा रही हूँ। 6 नंबर के कान्हा जी की ये ड्रेस है। 6 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें पगड़ी का साइज क्या चाहिए वो मैं 6 नंबर के कान्हा जी के लिए देखिए, हमने ये बुकरम की पट्टी कट की है 6 इंची की। 5.5 इंची हमारे ठाकुर जी के ये सिर की गोलाई है, तो हमने 6 इंची की पट्टी लिया और एक कार्डशीट की भी पट्टी ली है। दोनों को हम चिपका करके पहले कार्डशीट की पट्टी पर हम ऐसा करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। इसे सेंटर में से हम लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, 1 सूत कम हम कट करेंगे और यहाँ से देखिए 1/4 इंची ये हमने कट कर लिया। अब इसको हम बुकरम के ऊपर पेस्ट करके और बुकरम की भी इसी शेप में कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसकी शेप में कट कर लिया और इसमें चिपका दिया है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा हमने ये फैब्रिक कट किया है। अब फैब्रिक को हम ये चारों तरफ से मोड़ करके और यहाँ पे हमने ये कट लगा लिए। मैंने वीडियो शूट करने से पहले ही लगा लिए थे। ये देखिए, ये कट लगा करके और इसको हम यहाँ पे ऐसे इसकी सेंटर में रख के इस तरीके से इसे चिपकाते चले जाएंगे। ये यहाँ से इसको लगा देंगे और यहाँ से भी हम पूरा कवर कर देते हैं। इसको रैप कर लिया और यहाँ से हमने इसको ग्लू गन से चिपका दिया, रैप कर दिया है। अब इसको हम गोलाई के नाप का हमने ये कि फैब्रिक कट कर लिया है। यहाँ पर हम ग्लू गन लगा करके ये हॉट ग्लू लगाने के बाद में इसको चिपका देते हैं। चिपका देते हैं, हमने इससे चिपका दिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए, हमने बेस तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये हमने 12 इंची ऐसे चौड़ा और लगभग 20 इंची लंबा मैंने ये नेट का फैब्रिक कट कर लिया है। इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम प्रेस लगा करके इसके यहाँ से ये क्रीज बना लेते हैं एक बार। और क्रीज बनाने के बाद देखिए, ऐसे फैब्रिक को हम उठाएंगे डबल और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। इसे यहाँ से थोड़ा सा छोड़ करके ये 1/4 इंची छोड़ देंगे और उसको फिर से यहाँ पे ये प्रेस कर देंगे, क्रीज बना लेंगे। फिर एक बार और उठाएंगे इसे और फिर ऐसे 1/4 इंची छोड़ देंगे और फिर से यहाँ पे प्रेस लगा देंगे, क्रीज बना देंगे। और एक बार और उठाने के बाद में फिर से हम ये प्रेस से क्रीज बना देंगे और बाकी बचे हुए जो छोर है हमारा उसको अंदर की तरफ दबा देंगे। तो इतना काम पहले कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसमें प्रेस लगा ली और इसको देखिए यहाँ से हम ग्लू गन चिपकाएंगे और यहाँ से इसको ये हमने देखिए कवर कर दिया इस तरीके से। अब इसको यहाँ पर ग्लू लगा करके हम देखिए यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे ऐसे करके और इसके बाद में इसको हम ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सिरे को अंदर की साइड मोड़ दिया क्योंकि नेट है और नेट बिल्कुल यहाँ से पतली दिखाई देगी तो ट्रांसपेरेंट होगी और नीचे का कपड़ा दिखाई देगा, इसलिए हमने इसको मोड़ दिया है अंदर की साइड में। इसको देखिए यहाँ तक लाएंगे। अब देखिए, इसको यहाँ से एक सिरे को हम चिपका देंगे। ये सिरे को हमने अंदर की साइड करके चिपका दिया और इस सिरे को हम ऊपर ला करके और ये इसको ऐसे चिपका देंगे। ये ऊपर से उठी उठी पगड़ी हमारी आ गई। ये हम बैक में ले आए। बैक में लाने के बाद में इसको हम इस तरीके से चिपकाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से इसको कवर करके यहाँ ले आएंगे। ये देखिए ऐसे। दोस्तों, जिनको पगड़ी लपेटना नहीं आता उनके लिए बहुत इजी तरीका है। और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पगड़ी लपेटना नहीं आता है। मैं भी कभी लग जाती है तो बन जाती है, नहीं तो कई बार तो मुझे इस कई बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बन पाती है। तो मैं इस तरीके से ही पगड़ी बनाती हूँ तो ये बहुत आसान सी मेरे से बन जाती है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे इसको लाएंगे और लाने के बाद में पीछे ले जाकर के थोड़ा सा यहाँ तक ले जाएंगे पीछे, इसको यहाँ से चिपकाते हुए और यहाँ लाने के बाद में इसे कट करके हम छोड़।
ये देखिए हमारा पूरा बेस तैयार हो गया है। ये हमने कलगी बनाई है ग्रीन फैब्रिक की। ये 4 इंची चौड़ा और लगभग हमने 40 इंची लंबा फैब्रिक लिया था, उसको हमने डबल करके और ये कच्चा कर लिया और नीचे से टांका लगा लिया। तो ये हमने कलगी तैयार कर ली है। इसको देखिए हम यहाँ पीछे लगा देंगे और इसके आगे हम एक कलगी और लगाएंगे इस कलर की, तो वो भी तैयार कर लेते हैं पहले। अब ये छोटी कलगी ली हमने और छोटी कलगी को भी इसी तरीके से इसके आगे चिपका देंगे। ये देखिए इसको एक साइड की साइड पूरे में नहीं फैलाएंगे हम, और केवल एक साइड ऐसे चिपका देते हैं ऐसे। अब सबसे पहले ये जर्किन चेन ली हमने और जर्किन चेन को हम यहाँ से लेकर के ऐसे ये बिल्कुल किनारे किनारे चिपकाएंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे। ऐसा हम 2 बार इसे रिपीट करेंगे। देखिए जैसे हमने पोशाक में लगाया है उसी से सिमेट्री बिठाते हुए हमें काम करना है इसमें। तो अब इसमें हम सबसे पहले ये सरस्की हमने लगाई हुई है छोटे छोटे से स्टोन्स, तो उनको लगा लेते हैं ये वाली हम इसमें। और उसके बाद हम एक ये वाली बूटी लेंगे हार वाली, ये देखिए इसको इसको हम इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। और एक इसकी ये छोटी बूटी लेंगे ये वाली या ये वाली, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। साथ ही हम फ्लावर्स जो हमने यहाँ लगाए हैं उन फ्लावर्स को हम यहाँ से डेकोरेशन करते हुए लाएंगे, साथ ही कुछ हम फ्लावर्स यहाँ पे लगाएंगे। तो इतना सब पहले डेकोरेशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर फूल चिपका लिए। इसके बाद में हम ये पोलन्स को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे जैसे ये ड्रॉप गिर रहे हों, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए पोलन्स को हम इस तरीके से पोशाक भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी हैवी हमारी पोशाक है और उतनी हैवी हमारी पगड़ी भी है। ये हम जन्माष्टमी के दिन अगर से अपने कान्हा जी को पहनाते हैं बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, यकीन मानिए मुझे पूरा यकीन है। ये पोशाक पहन करके हमारे ठाकुर जी खिल उठेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर से एक बहुत अच्छी सी पोशाक बनाना सिखाते हैं आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।